स्वागत है आपका, मैं हूं प्रशांत चौरहे। एक बार फिर जाहिर हो रहा है कि कैसे सरहद पार से भारत में आतंकी साजिश रची जा रही है। कश्मीर में आतंकवाद को पनाह देकर उसे अशांत रखने वाले हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाहुद्दीन से जुड़ा एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। इस वीडियो से साफ हो रहा है कि कैसे आतंकियों के इशारे पर हुर्रियत नेता काम कर रहे हैं। इस वीडियो में सलाहुद्दीन हुर्रियत नेताओं को मारे गए आतंकियों का शोक मनाने का फरमान सुनाते दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में आतंकी सलाहुद्दीन पीओके में कई आतंकी कैंप होने की बात भी कबूल कर रहा है। सलाहुद्दीन ये भी कह रहा है कि 8 से 13 जुलाई तक आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने पर शोक मनाया जाए। मुत्तहिदा जहाद कौंसिल जम्मू कश्मीर ने सरहद आर पार 8 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक हफ्ते शहदाए जम्मू कश्मीर पूरे जोश और जज्बे से मनाने का एहतमाम किया है। 8 जुलाई को रियासतगीर सतह पर हड़ताल होगी। तो इस तरह एक तरफ तो आतंकी सलाहुद्दीन हुर्रियत के लोगों को मारे गए आतंकियों के लिए शोक मनाने को कह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईद के मौके पर पुलवामा के करीमबाद इलाके में अलगाववादियों ने आतंकी हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन और बुरहान वानी के पोस्टर लगाए हैं।